हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ में स्वीट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चमचम स्वीट्स बनाई हैं घर में, वो भी बहुत कम टाइम में और कम सामान में ढेर सारा चमचम बना करके रेडी करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 kg मैंने दूध लिया है, इसे अच्छे से उबाल लिया है। दूध को हमें फाड़ना है तो 2 teaspoon विनीगर और 2 teaspoon वाटर मिक्स करके दूध के अंदर में डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल देंगे और इसे एक कपड़े के ऊपर में डाल लेंगे। सूती कपड़े का यूज़ करना है और इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इस तरह से निचोड़ लेंगे। एक वेट डाल देंगे इसके ऊपर में और 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो छेना इस तरह से रेडी है। अभी बड़े से प्लेट में मैंने ले लिया है और इसे स्मूथ कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसे स्मूथ कर लिया है। इसमें मैं 1/2 teaspoon बारीक वाला सूजी, 1/2 teaspoon कॉर्नफ्लोर और 1/2 teaspoon मेल्टेड घी डाला है, 1 pinch बेकिंग सोडा और 1/4 teaspoon बेकिंग पाउडर, कुछ ड्रॉप मैंने छोटी इलायची का एसेंस डाला है। अगर एसेंस नहीं है तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने इसे 3 divide कर लिया है। कलरफुल मैं चमचम बनाने वाली हूँ तो एक में मैंने पिंक डाला है, एक में ग्रीन और एक में येलो डाला है। सिलेंडर शेप का मैं बना रही हूँ इसे। आप कलर भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो और शेप भी अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इसमें जो है कलर डालना है जेल कलर, लिक्विड कलर नहीं डालेंगे। तो इस तरह से मैंने येलो को भी मिक्स कर लिया है और इसका भी छोटा छोटा सा पोर्शन बना लेंगे और सिलेंडर शेप में इसे रेडी कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है। आपको दिख रहा होगा कि किसी भी रसगुल्ले के ऊपर में क्रैक नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि मैंने छेने को अच्छे से मिक्स करके स्मूथ किया है। तो आपको भी अच्छे से स्मूथ करना है, नहीं तो आपका रसगुल्ला फट जाएगा, चाशनी में बिखर जाएगा। तो ग्रीन कलर में भी मैंने मिक्स कर लिया है और इसका भी छोटा छोटा सा पोर्शन बना करके इस तरह से सिलेंडर शेप का बना लेंगे। बहुत ही कम टाइम में ये रसगुल्ला बन करके रेडी हो जाता है। तो अभी इसके लिए हमें चाशनी बनाना है। चाशनी बनाने के लिए 1 cup चीनी और 2 cup पानी लिया है। इसे गैस के ऊपर में रख करके अच्छे से उबाल आने देंगे। जब ये उबल जाएगा तो ही एक एक करके सारा रसगुल्ला इसमें डाल देंगे। फ्लेम को अभी हाई रखा है, 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे। उसके बाद कम फ्लेम करके 15 मिनट के लिए इसे स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। हल्का सा इसे खुला रखना है। तो मैंने इसे 20 से 25 मिनट पका लिया है। चाशनी से निकाल लिया है इसे और बीच में इस तरह से कट लगाया है। स्टफ करने के लिए मैंने मीठा मावा का यूज़ किया है। ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। मैंने इसे मार्केट से नहीं लिया है, घर में ही बनाया है दूध को जला करके। अगर आप दूध से नहीं बनाना चाहते हो तो मिल्क पाउडर से भी बहुत ही आराम से बना सकते हो। बहुत सारी रेसिपी मैंने स्वीट्स की डाल रखी है। एक बार ज़रूर विजिट करें मेरे चैनल पर और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए, मैंने सभी चमचम को रेडी कर लिया है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और चेरी लगा दिया है। सभी स्वीट्स को मैं इस डब्बे में डाल रही हूँ। आप चाहें तो जिस भी बर्तन में सर्व करना चाहते हो उसमें आप रख सकते हो। तो बहुत ही कम टाइम में इतना सारा चमचम बन करके रेडी हो गया है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। अभी ऊपर से मैं थोड़ा सा सिल्वर एडिबल पेपर लगा रही हूँ, इसे तबक भी बोलते हैं। तो ये स्वीट्स के ऊपर में लगाने से स्वीट्स बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ये बहुत ही कम टाइम में और बहुत कम सामान में इतना सारा चमचम बन करके रेडी हो गया है। तो ट्राई करें।